हाय फ्रेंड्स, आप लोग सभी अच्छे होंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे फेस पे बहुत पिगमेंटेशन होती है, किसी की लाइट होती है, किसी को एक्ने स्कार होते हैं। जो एक्ने स्कार होते हैं, किसी किसी को रेड कलर के होते हैं, किसी को ब्लैक कलर के होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए? हमें अगर पार्टी में मेकअप करना है और हमारे स्कार्स हैं, वो किसी चीज़ से हमें छुपाने नहीं आ रहे, फाउंडेशन से छुपाना नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये है क्रायलॉन की पैलेट, कंसीलर पैलेट। तो इसमें ये सारे शेड्स होते हैं, आप देख रहे हैं, ये सारे शेड्स जो होते हैं इसमें। ये ग्रीन कलर का है, जिसके रेड कलर के बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं, उसको छुपाने के लिए, वो जो स्कार होते हैं उनको छुपाने के लिए ग्रीन कलर होता है। जिसको डार्क सर्कल होते हैं आइज़ में, अंडर आइज़ में, उसको ये 303 इसमें नंबर है, ये येल्लोइश है, जो हम अपने डार्क सर्कल पे लगा सकते हैं। और थोड़ी लाइट लाइट अगर हमारे फेस पे पिगमेंटेशन है तो उसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। प्लस जिसको सबसे ज़्यादा, थोड़ी ज़्यादा है, तो उसके लिए हम ये डार्क वाला शेड्स ले सकते हैं। जैसे कि ये डार्क वाला शेड है FS28, ठीक है। तो इस शेड्स को हम लोग लगाएंगे तो हमारी जो पिगमेंटेशन है वो हमारी कम हो दिखने लग जाएगी। फिर इसके ऊपर हम अपना जो हमारा शेड है फाउंडेशन का, फिर हमें वो एप्लीकेशन करना है, जिससे हमारे ये डार्क पिंपल के स्पॉट्स और पिगमेंटेशन, जो डार्क चीज़ है उसके लिए है ये। और थोड़ा सा ब्राउन वाला आपने कलर करेक्टर देखा होगा जो ट्यूब में आता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी डार्क पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, उसके लिए, ठीक है। तो हमें अपने जो भी स्कार्स होते हैं उसको छुपाने के लिए, ये मैंने आपको एक छोटा सा नुस्खा बता दिया कि इसमें हमें कौन कौन सा टोन हमारी स्किन के स्कार के लिए यूज़ करना है। फिर उसके बाद हमारी स्किन का जो टोन का जो फाउंडेशन होता है, फिर हमें वो यूज़ करना है। अगर डल कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, तो उसके लिए आप 303 ऑरेंज कलर नहीं लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? डायरेक्टली ये डार्क शेड लगाएंगे और इसके बाद एक लाइट शेड लगाएंगे आप, ठीक है। FS29 लगाओगे तो जिससे आपका जो मेकअप है, बेस है, वो ग्रे नहीं होगा। तो आप ये कर सकते हैं। प्लस जिसका ब्राइट स्किन है, तो उसके लिए अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन है, तो उसके लिए भी आपको ये डार्क वाला लगाना होगा। प्लस फिर ये आपको आईवेरी शेड लगाना होगा इसके बाद, तो आपके स्पॉट छिप जाएंगे और कलर आपका बहुत अच्छा आएगा और अच्छा फेस लगेगा, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। कलर करेक्टर मैंने आपको बता दिया। पिगमेंटेशन के लिए आपको ब्राउनिश चाहिए, और एक्ने स्कार के लिए आपको चाहिए, जो रेड एक्ने स्कार होते हैं उसके लिए आपको ग्रीन वाला चाहिए, और जो लाइट डार्क सर्कल होते हैं उसके लिए 303 चाहिए आपको। तो ये पैलेट आपकी हो गई, जिससे कि आपको ये कोई भी समस्या है, इसमें सारे शेड्स आते हैं। इसका छोटा पैलेट भी मार्केट में अवेलेबल है, ये बड़ा वाला है, छोटा वाला 1400 का है, तो आप मार्केट से ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेट नहीं कीजिए, क्विक जल्दी से आप खरीदिए। अभी ऑफ़र चल रहे हैं, दीपावली ऑफ़र, तो आप खरीद सकते हैं और आप भी इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।